हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेशियो का पार्ट 6। आज लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धनराशि ए और बी के बीच 5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि बी को 360 रुपया मिले तो धनराशि क्या थी? यानी कह रहा है कि एक धनराशि को ए और बी के बीच में बांटते हैं, तो 5:6 के रेशियो में बांटते हैं, जिसमें बी को 360 रुपया मिलता है, तो कुल धनराशि कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को तुलनात्मक विधि से हम लोग बनाते हैं। देखिए दिया है ए और बी का रेशियो कितना, 5:6 के रेशियो में बांटा जाता है। कितना के रेशियो में? 5:6 के रेशियो में। देखिए तुलना कीजिए, राशि क्या दिया हुआ है, तो यहाँ राशि में लोग पता है रुपया में कितना, 360। ये क्या है, तो बी को दिया जाने वाला राशि, तो बी को दिया जाने वाला राशि कितना है, 360। और हम लोग देख रहे हैं कि अनुपात में बी को कितना दिया जा रहा है, 6। तो तुलना कीजिए, अनुपात में बी को मिलेगा तो 6, लेकिन रुपया में मिलेगा तो कितना, 360 रुपया। तुलना कर लिए, यानी बी का अनुपात में कितना, 6, तो रुपया में कितना, 360। अनुपात 6:360 रुपया, तो अनुपात 1 कितना हो जाएगा, तो काटिए 6×6=36 और 1 0, यानी कितना, 60 रुपया। तो कह रहा है कुल धनराशि कितना है, तो निकालिए कुल धनराशि कितना होगा। तो कुल मतलब ए और बी दोनों को मिलाकर, तो ए को मिला 5 और बी को मिला कितना, 6, तो अनुपात 5 और 6 कितना हो जाएगा, अनुपात 11। और हम लोग जानते हैं कि अनुपात 1:60, तो अनुपात 11 कितना रुपया, तो 11 में अनुपात 1 का मान गुना कर लेंगे 60 से, 6:66 कुल धनराशि कितना आ गया, 660 रुपया। ऑप्शन कौन जाएगा, ए नंबर। देखिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है, अलग से ऑप्शन से देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए और बी का अनुपात 5:6 है, यानी बी को 6 मिला तो रुपया में कितना, 360। कह सकते हैं अनुपात 6:360, तो 1:60, तो कुल मिलाकर कितना, 6×5=11, 11 कितना हो जाएगा, तो 11×60 यानी 660 रुपया। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड आप बना लेते हैं इसको, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है, 3200 रुपया को ए बी तथा सी के बीच क्रमशः अनुपात 3:5:8 में बांटा जाता है, तो बी तथा सी के हिस्से में कितना अंतर है रुपया में, यानी बी और सी का रुपया में अंतर निकालना है। तो पहले दिया क्या, ए और बी और सी के हिस्से का रेशियो कितना बांटना है, 3:5:8 के रेशियो में। देखिए ए को 3 मिलेगा तो बी कितना, 5, तो सी कितना, 8, बताइए तीनों को मिलाकर कितना मिलेगा। कहा कि यहां दिया क्या, 3200 रुपया कुल धनराशि, बांटना कितना हुआ है, 3200 को, तो टोटल दिया 3200, तो अनुपात में टोटल कितना, तो जो ये 5×3=8 और 8×8=16, यानी अनुपात में टोटल 16। तुलना कीजिए, तो टोटल रुपया में कितना, 3200, टोटल रुपया में कितना, 3200 रुपया। बताइए अनुपात 1 कितना जाएगा, तो कट जाने इसको 16×32 और 00 बैठ जाएगा, यानी 200 रुपया। अनुपात 1 करना 200 रुपया। तो क्वेश्चन बोला है कि बी तथा सी के हिस्से में कितना अंतर है, तो बी और सी का अंतर निकालना है। तो बताइए बी और सी का हिस्सा में अंतर कितना का मिलेगा, यहां से अंतर, यानी अनुपात में अंतर कितना, तो अनुपात में 8 में से 5 घटेगा तो कितना का अंतर मिलेगा, 3 का, अनुपात में 3 का। बताइए 1:200, अनुपात 3 कितना हो जाएगा, तो 3×200 यानी कितना का, 600 का, कितना का, 600 का, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 540, यानी 3 संख्या, तो मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्या का योग कितना, 540। या दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, 9:13, तो लिख लीजिए दूसरी संख्या, यह दूसरी संख्या और किसका, तीसरी संख्या, एक तीसरी संख्या, ये दोनों का रेशियो कितना दिया है, 9:13। और आगे दिया है
पहली और तीसरी का अनुपात, दोनों पर सात, किसका किसका, पहली और तीसरी का, पहली और तीसरी का दोनों पर सात। तो तीसरी संख्या क्या है? देखिए यहां पर पहला कंडीशन दिया है कि दूसरी और तीसरी, और आगे दिया है पहली और तीसरी, यानी एक बार दूसरी और तीसरी में तुलना किया है और एक बार किया है पहली और तीसरी में। तो आप हम लोग तुलना करेंगे पहली दूसरी तीसरी में कितना। देखिए पहला दूसरा तीसरा का रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो देखिए जब पहला वीडियो बनाए थे तो वहां पर बैलेंस करके रेशियो निकालने का रूल बताए थे, क्या बैलेंस करके। चलिए बैलेंस कीजिए, तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, यहां दूसरी और तीसरी है और यहां क्या है पहली और तीसरी है, दोनों में कॉमन कौन सी संख्या हो रहा है, तीसरी तीसरी संख्या कॉमन हो रहा है, तीसरी तीसरी संख्या क्या है कॉमन। तो तीसरी संख्या के अनुपात को समान कीजिए, इसमें सात से गुना कर देंगे और इसमें तेरह से, तो यह आ जाएगा तेरह दूना छब्बीस और तेरह सते इक्यानवे, इसमें गुना कीजिएगा तो नौ सते तिरसठ और तेरह सते इक्यानवे। देखिए तीसरी तीसरी संख्या कॉमन था तो तीसरा का अनुपात क्या किए समान कर दिए, इक्यानवे इक्यानवे आ गया। अब लिखेंगे तो बताइए पहली को कितना 26, दूसरी को कितना तिरसठ और तीसरी को कितना इक्यानवे। अब लगाइए पहला का अनुपात 26, दूसरा का तिरसठ, तीसरा का इक्यानवे। अब चलिए हम लोग क्या दिया हुआ है देखते हैं, तो तीन संख्याओं का योग 540, बताइए अनुपात में तीनों का योग कितना, तो जोड़िए एक तीन एक चार, चार और छ दस, दस का जीरो, हाथ में रहा कितना एक, तो नौ छ पंद्रह और दो सत्रह और एक हाथ वाला सत्रह कितना जाएगा अठारह, अनुपात में तीनों का योग 180 लेकिन संख्या में कितना है 540। तो बताइए अनुपात एक बराबर कितना हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और अठारह तिहाई चौवन, यानी कितना गया अनुपात एक का मान तीन। तो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, किसका मान निकालना है तीसरी का मान निकालना है, बताइए तीसरी का रेशियो कितना है अनुपात इक्यानवे है, बताइए एक बराबर तीन, तो इक्यानवे बराबर कितना हो जाएगा इक्यानवे गुना तीन, अब गुना कर लीजिए तीन गुना एक तीन और तीन नवा सत्ताईस यानी 273, तीसरी संख्या कितना आएगा 273, ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर ऑप्शन ए। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि 11,550 रुपया को एक्स वाई जेड में इस तरह बांटें, यानी टोटल धनराशि कितना 11,550 और इसको किसको किसको बीच बांटना है, तो एक्स वाई जेड के बीच में। अब देखते हैं कैसे बांटता है, तो कह रहा है एक्स को वाई का 4/5 और वाई को जेड का 2/3 भाग मिले, तो जेड को एक्स से कितना अधिक भाग यानी रुपया में मिलेगा, निकला है जेड को एक्स से कितना रुपया अधिक मिलेगा। तो चलिए पहले रेशियो लिखते हैं एक्स वाई जेड का, देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन, यहां पर क्या है भिन्न 4/5 है, तो 4/5 के पकड़िए, कह रहा है एक्स को वाई का 4/5। देखिए एक रूल बताते हैं रेशियो लिखने का, एक्स और वाई के रेशियो को लिखने का, तो रूल है कि जिसके बारे में बोलेगा वो भिन्न के ऊपर वाला, जिसके बारे में बोलेगा वो भिन्न का ऊपर वाला और जिससे तुलना करेगा वो भिन्न के नीचे वाला। तो पढ़िए क्वेश्चन, एक्स को वाई का यानी एक्स को दे रहा है किसके तुलना में, वाई के तुलना में, यानी एक्स को किसके तुलना में वाई के तुलना में, तो एक्स के बारे में बताया है तो एक्स हो जाएगा ऊपर वाला और किससे तुलना किया है वाई से, तो वाई से तुलना किया तो वाई क्या हो जाएगा नीचे वाला, यानी एक्स को 4 मिलेगा तो वाई को कितना मिलेगा 5। तो आप रेशियो लिख सकते हैं एक्स अनुपात वाई कितना, तो एक्स को मिला 4 तो वाई को कितना मिलेगा 5। उसी तरह से आगे पढ़िए, वाई को जेड का 2/3 भाग मिले, किसको मिल रहा है वाई को किसके तुलना में जेड के तुलना में, तो अभी हम बताएं कि जिसके बारे में बोलेगा वो भिन्न का ऊपर वाला और जिससे तुलना करेगा वो भिन्न का नीचे वाला, तो किसके बारे में बोला है वाई के बारे में तो वाई हो जाएगा ऊपर वाला और किससे तुलना किया है जेड से,
तो जेड हो जाएगा नीचे वाला, यानी वाई को दो मिलता है तो जेड को कितना तीन। तो लिखिए वाई अनुपात जेड कितना, वाई अनुपात जेड कितना, तो वाई को दो मिलेगा तो जेड को तीन, तो वाई और जेड का रेशियो कितना, दो अनुपात तीन। आप समझिए फिर से कि जिसके बारे में बोलेगा उभिन का ऊपर वाला और जिससे तुलना करेगा उभिन का नीचे वाला। देखिए बहुत सा टीचर या कोचिंग संस्था वाले बताते हैं कि का के की सा से सी, लेकिन इसमें क्वेश्चन में फंस जाता है। जब आप हार्ड लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो का और से दोनों रह जाएगा, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लिखेगा, पहले वाला का रेशियो होगा या दूसरा वाला का रेशियो होगा, नहीं रेशियो उल्टा लिखा जाता है। तो का के की सा से सी से नहीं पकड़ना है, आपको क्या पकड़ना है, जिसके बारे में बोलेगा उभिन का ऊपर वाला और जिससे तुलना करेगा उभिन का नीचे वाला। तो एक बार फिर समझ लीजिए यहां से कि x को y का चार बटा पांच भाग, x को y का चार बटा पांच भाग, यानी किसको, x को, किससे, y से, यानी x को, यानी x के दे, x को दे रहा है, किससे तुलना करके दे रहा है, तो y से। तो x को दिया है यानी x को बारे में बताया है, किससे तुलना करके, y से। तो x हो जाएगा चार तो y हो जाएगा पांच। उसी तरह यहां भी y को z का, तो y को दिया जा रहा है किससे तुलना करके, z से। तो y हो जाएगा ऊपर वाला और z हो जाएगा नीचे वाला। तो यहां गया x अनुपात y चार अनुपात पांच और y अनुपात z तो दो अनुपात तीन। अब देखिए x y z का रेशियो लिखिए, तो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में देख रहे हैं वाई वाई कॉमन है, दोनों में क्या मिल रहा है वाई, तो वाई कॉमन है तो वाई का रेशियो समान कीजिए। तो y का रेशियो समान करने के लिए क्या होगा, तो कितना से गुना करना होगा, तो पहला वाला में दो से गुना और दूसरा वाला में पांच से गुना, यानी आ जाएगा चार दुना आठ और पांच दुना दस, और इसमें करना जाएगा तीन दुना छह, अरे पांच दुना दस, पांच दुना दस और तीन दुना छह, यानी पांच तिया पंद्रह, पांच तिया पंद्रह, यानी वाई जेड का रेशियो दस अनुपात पंद्रह और एक्स वाई का रेशियो आठ अनुपात दस। बताइए एक्स वाई जेड का रेशियो कितना जाएगा, एक्स वाई जेड का रेशियो कितना जाएगा, तो आठ दस और पंद्रह का रेशियो हो जाएगा, यानी आपका फाइनल रेशियो कितना निकला एक्स वाई जेड के बीच, आठ दस पंद्रह, यानी एक्स को आठ मिलेगा तो वाई को दस मिलेगा, तो जेड को कितना मिलेगा, तो जेड को मिलेगा कितना, तो जेड को मिलेगा पंद्रह। तो चलिए अब यह था कि कुल धनराशि 11,550 रुपया, बताइए कुल धनराशि 11,550 रुपया, तो रेशियो में कुल कितना, तो जोड़िए 15 और 10 25, 25 और 8 कितना जाएगा 33, अनुपात में कितना जाएगा 33, लगाइए अनुपात 33 बराबर 11,550, 11,550। तब काटिए इसको कितना से कट जाएगा, देखिए काट सकते हैं 11 से, तो 11 तिया 33 और 11 से इसको काटिए, तो 11 एक 11 और 5 भागने लगा 0, 11 5 55 और एक 0 देंगे। फिर 3 से काटिए, तो 3 से काटिएगा कितने से कटेगा, 3 तिया 9 3 5 15 और 0, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 350, अनुपात 1 का मान कितना 350। तो बताइए जेड को x से कितना अधिक मिलेगा, क्या क्वेश्चन पूछा, जेड को x से कितना अधिक मिला है, यानी जेड को कितना मिलेगा x से अधिक, तो अंतर पूछा है जेड और x का, भाई जेड को मिला 15 और x को मिला 8, तो 15 8 से कितना अधिक है, 15 8 से कितना अधिक है बताइए, तो अधिक कितना 7, अनुपात 7, तो अनुपात 7 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर आया 350, तो अनुपात 7 बराबर करना, 7 से गुना कर लीजिए, तो आ जाएगा 0 7 5 35 के 5 अपना 3 और 7 3 24, यानी 2450 रुपया अधिक मिल रहा है, किसको, जेड को, किससे तुलना, एक्स से, तो आ गया 2450, ऑप्शन कौन जा रहा है, डी, ऑप्शन डी। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना है, यानी दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, दिया क्या है, दो संख्याओं का रेशियो दिया है
और दोनों संख्याओं के वर्ग का योग दिया है। देखिए हम लोग लिख लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना है 3:4, 3:4। चलिए देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं दिए तो क्वेश्चन गलत बना के बैठ जाइएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। देखिए बोला क्या है, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग यानी वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कीजिएगा ना वर्ग, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी होगा वर्ग का योग। वर्ग का योग कितना हो जाएगा 25, अनुपात 25, अनुपात कितना हो जाएगा 25, और लगाइएगा 25 अनुपात बराबर 400, तो अनुपात 1 बराबर कितना 16, ठीक है यही लगाइएगा आप, और 16 तो अनुपात 3 बराबर कितना होगा 48, अनुपात 4 बराबर कितना 64, तो 48 और 64 जोड़ करके आप आंसर ला दीजिएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत, कहा कि हम लोग जानते हैं, नहीं पता है तो याद रखिएगा कि अनुपात को सिर्फ आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन गुना नहीं कर सकते हैं। क्या कर नहीं सकते हैं, गुना नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां बोला वर्ग, तो 3 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा 3 गुना 3, और 4 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा 4 गुना 4, तो गुना करना पड़ जा रहा है ना, 3 गुना 3 और 4 गुना 4, तो गुना करना पड़ रहा है। तो ये आपस में गुना नहीं होता है, जब भी होगा तो सिर्फ जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं लेकिन गुना नहीं कर सकते हैं। तो क्या कैसे बनाइएगा, तो देखिए जब गुना वाला आ जाए यानी गुना करना पड़ जाए तो क्या कीजिएगा, इसको संख्यात्मक मान में लाइएगा। संख्यात्मक मान में कैसे आएगा, तो इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर दीजिए। तो कितना से गुना करते हैं, 1 से, और 1 से गुना होगा तो दोनों में गुना होगा, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3x, और 4 गुना 1 की जगह तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। यानी पहली संख्या का एक निश्चित माना गया 3x और दूसरी संख्या का निश्चित माना गया 4x। अब इसको कर सकते हैं वर्गों का योग, वर्ग तो 3x का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9x² और 4x का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16x², यानी कितना आ गया 25x². अब लगाइए तुलना कीजिए कि दोनों संख्या के वर्गों का योग 25x² है, दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना 25x² है, लेकिन संख्या में कितना दिया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया 400। हम लोग निकाल कर आए कितना दोनों संख्या के वर्गों का योग 25x², लेकिन संख्या में कितना दिया 400। तो बताइए x² बराबर कितना हो जाएगा, तो काटिएगा 16 मटर कट जाएगा, तो x² बराबर 16, तो x बराबर कितना, तो स्क्वायर को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना 4। देखिए एक्स का मान कितना आया 4 यूनिट आया है, यहां कितना आया था आपका 64, इसीलिए गलत हो रहा था। तो एक्स का मान कितना है 4। अब निकाल लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, बताइए 3x और प्लस 4x कीजिएगा तो कितना जाएगा 7x आ जाएगा, 7x, बताइए 7 और गुना x का मान कितना निकाल कर लाए 4, तो यहां 4 रख दीजिए 4, बताइए 7 गुना 4 कितना हो गया 28, यानी दोनों संख्या का योग कितना आया 28, दोनों संख्या का योग कितना आया 28, तो ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर। देखिए एसएससी सीजीएल पीटी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भारी नहीं है, खाली समझने वाला क्वेश्चन था कि अगर अनुपात को आपस में गुना करना पड़े तो गुना नहीं होता है, उसके लिए क्या करेंगे संख्यात्मक मान में लाएंगे, और संख्यात्मक मान कैसे होता है, तो दोनों में एक कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर दिया था, यानी x से गुना कर दीजिए, तो 3 गुना x 3x, 4 गुना x 4x, अब बना लेंगे इसको, ठीक है। तो याद रखना आपको कि अनुपात को आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं लेकिन गुना नहीं करेंगे, गुना करना पड़े तो पहले संख्यात्मक मान में लाएंगे, संख्यात्मक मान में कैसे, तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर, यानी x से गुना कर। तो छठा क्वेश्चन दिया है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5, तो लिख लीजिए दो संख्या कौन कौन, तो मान लेते पहली संख्या और एक दूसरी संख्या,
दोनों का रेशियो कितना दिया, 1:5 दिया है, और उनका गुणनफल 320 हो, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का कितना मान दिया 320, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन यहीं पर समझिए कि रेशियो दिया 1:5 का और गुणनफल दिया 320 का, तो तुलना कीजिएगा ना गुणनफल से। तो हम बताएं अभी कि रेशियो को आपस में गुना नहीं कर सकते हैं, तो गुना करना है तो क्या कीजिएगा, संख्यात्मक मान पहले लाना होगा। तो 1 में x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा x, और 5 में x से गुना कीजिएगा तो कितना 5x। अब इसको गुना कर सकते हैं तो x गुना 5x हो गया बराबर कितना 320, यानी अब तुलना कर लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहां आ गया 5 से काट सकते हैं इसको, तो 5 6 30 और 2 0 यानी 20 5 20 यानी आ गया x स्क्वायर बराबर 64। बताइए x बराबर कितना, तो 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। x का मान कितना आ गया 8। देखिए यहां पहली संख्या दूसरे में निकाल सकते हैं कि पहली संख्या कितना आ गया, तो 8 गुना x था कितना हो जाएगा 8 गुना 1 तो 8 और 8 गुना 5 तो कितना 40। लेकिन पूछा इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, निकालिए 5x² - x² इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर माने घटाना, तो 5x² कीजिएगा तो 25x² और x² तो 25x² में से एक घटा जाएगा तो कितना जाएगा 24x² अब x का मान रख दीजिए तो 24 गुना और 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, बताइए 24 गुना 64 कितना हो जाएगा। तो देखिए आप जब नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, इसको गुना करने के लिए, तो गुना करने के लिए क्या रूल होता है, तो पहले इकाई अंक और इकाई अंक को गुना किया जाता है, तो 4 गुना 4 कितना 16 16 6 हाथ में रहा कितना 1, अब अंदर अंदर 1 7 और बाहर बाहर 1 7 गुना करके जोड़ देते हैं, तो बताइए 4 गुना 6 24 और 4 दुना 8 तो 24 और 8 कितना 32, 32 और 1 हाथ वाला कितना जाएगा 33। अब फिर कीजिएगा ये दहाई अंक और दहाई अंक, तो 6 गुना 2 फिर से 6 गुना 2 12 12 हाथ में कितना हो जाएगा 3, तो 6 दुना 12 3 15 यानी कितना आ गया 1536, ऑप्शन कौन जाएगा सी नंबर। आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कराए 651 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगना बी के 3 गुना तथा सी के 5 गुना के बराबर है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, यानी 651 रुपया में सी का हिस्सा कितना है। तो पहले देखिए 651 रुपया को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है, लेकिन कैसे, तो क्वेश्चन बोला ए का दुगना बी का 3 गुना और सी के 5 गुना के बराबर है, तो लगाइए ए का दुगना तो ए में 2 से गुना कर दीजिए, बी का 3 गुना तो बी में 3 से गुना कर दीजिए, और सी का 5 गुना तो सी में 5 से गुना कर देंगे, ये सभी आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी ए का दुगना बी का 3 गुना और सी का 5 गुना ये सभी आपस में बराबर है। अब बताइए इसको रेशियो में लिखने के लिए हम क्या बताए थे, तो दूसरा वीडियो देखिएगा रेशियो का, उसमें बताया हुआ ये क्वेश्चन को कि किस तरह से रेशियो लिखते हैं। देखिए फिर समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन बराबर वाला रहे, ये बराबर वाला जाए, ठीक है, तो रेशियो लिखते हैं, तो जिसका रेशियो लिखना हो उसको छोड़ दीजिए, यानी ए को रेशियो लिखते हैं तो ए वाला को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दीजिए, और जो बाकी बचेगा उसको गुना करके उसके नीचे लिख देंगे, तो बाकी कौन कौन बचा 3 और 5, तो 3 और 5 को गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 15, तो ए का अनुपात निकल गया 15। अब बी का रेशियो निकालना है तो बी का रेशियो निकालने के लिए बी को छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, तो बाकी कौन कौन बचा 2 और 5, तो 2 और 5 को गुना किया जाए तो कितना जाएगा 10। अब सी का रेशियो निकालना है तो सी को छोड़ दीजिए, सी को छोड़ दीजिए, तो कौन कौन बचा 2 और 3, तो 2 और 3 को गुना कीजिएगा तो कितना 6, तो यहां 6 लिख दीजिए,
निकल गया ए बी सी का रेशियो कितना 15:10:6। अब बताइए तीनों किस रेशियो में बांट रहा है, 15:10:6 के रेशियो में बांट रहा है, तो तीनों मिलकर टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, तो 15:10:25, 25 और 6 31। तो अनुपात कह सकते हैं अनुपात 31, टोटल अनुपात कितना 31, लेकिन रुपया में कितना है 651, टोटल रुपया कितना है 651, यानी टोटल 651 रुपया को बांटता है, लेकिन अनुपात में जब बांटता है टोटल तो कितना को 31 को, तो अनुपात 31 = 651, यही तुलना हो रहा है, अनुपात में बांटा तो 31, लेकिन रुपया में बांटा जाता कितना तो 651, तो अनुपात 31 = 651, तो अनुपात 1 कितना हो जाएगा, तो काटिए 31 × 62 बचा कितना 3 और 31 फिर 31 यानी 1 यानी कितना जाएगा 21 रुपया, अनुपात 1 कितना गया 21 रुपया। तो कह रहा है सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा दीजिए, सी का हिस्सा कितना, तो बताइए सी का अनुपात में कितना हिस्सा बन रहा है 6, अनुपात में कितना 6, अनुपात में सी का हिस्सा कितना 6, तो बताइए अनुपात 1:21, तो अनुपात 6:1 कितना हो जाएगा, तो 21 × 6 कीजिएगा ना, 6 × 21, तो 21 × 6 कितना था 26, 126, यानी सी का हिस्सा कितना है 126 रुपया आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर। अगर बी का कहता तो बी का हिस्सा कितना अनुपात में 10, तो 21 × 10 कर लेते तो 210 हो जाता। अगर ए का हिस्सा पूछता तो ए का हिस्सा अनुपात में कितना 15, तो 1 = 21, तो 15 कितना हो जाएगा 15 × 21 जो आएगा वो ए का हिस्सा हो जाएगा। तो आठवां नंबर दिया है कि 730 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की गई है कि यदि ए को 3 रुपया मिले तो बी को 4 रुपया मिलेगा, और यदि बी को 3.5 रुपया मिले तो सी को 3 रुपया मिलेगा, तो बी का हिस्सा सी से कितना। देखिए दिया है कि टोटल 730 रुपया है, उसमें ए और बी के पहले बताया है कि ए और बी, बोला है ए को अगर 3 रुपया देंगे तो बी को कितना देगा 4, लगाइए ए को अगर 3 रुपया देंगे तो बी को कितना देंगे 4, फिर रेशियो में कितना हो जाएगा तो 3:4, यानी ए का मान 3 तो बी का मान कितना 4, तो 3:4। उसी तरह आगे दिया है कि बी को 3.5 देंगे, बी को कितना 3.5, बी को 3.5 रुपया, तो सी को कितना रुपया मिलेगा 3 रुपया मिलेगा, सी को कितना मिलेगा 3 रुपया, तो बताइए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, बी और सी का रेशियो कितना। देखिए यहां 3.5 और यहां 3, देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या को समान कीजिए, यहां कुछ नहीं तो दशमलव दे सकते हैं, यहां दशमलव के बाद 2 अंक तो यहां भी 2 अंक दे दीजिए, 2 को 0 लगाकर बराबर कर लीजिए, अब दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव दशमलव खत्म, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर देना है, तो दशमलव दे करके यहां 2 अंक के बाद दशमलव था तो यहां भी 2 को 0 दे दिए, समान हो गया, अब दशमलव से दशमलव खत्म। अब काटिए 1 0 से 1 0 कर जाएगा, और दोनों में क्या कॉमन होगा तो 5 कॉमन रहा है, तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, आई 5 × 6 = 30, यानी रेशियो में कितना 7:6। देखिए बी को 3.5 तो सी को कितना मिला 3 रुपया मिल रहा था, तो बी को बताइए 7 मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा 6, 3.5 का 2 गुना कितना 7, तो 3 का 2 गुना कितना होगा 6, यानी 7:6 की रेशियो मिल रहा है। अब देखिए ए बी सी का रेशियो कितना, तो दोनों में कॉमन कौन है बी, दोनों में कॉमन कौन है बी, तो बी का रेशियो समान कीजिए, तो बी को रेशियो समान करने के लिए इसमें 2 से कितना से गुना कर लेंगे 7 से, और इसमें कितना से गुना कर लेंगे 4 से, तो हो जाएगा 7 × 21, हो जाएगा 7 × 28, और ये कितना हो जाएगा 7 × 28, तो हो जाएगा 6 × 24। तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना, ए का 21, बी का 28 और सी का 24, यानी ए को 21 रुपया मिलेगा तो बी को 28 रुपया मिलेगा, तो सी को 24 रुपया मिलेगा, यानी इस रेशियो मिलेगा। तो बताइए कि टोटल धनराशि है 730 रुपया, तो टोटल अनुपात है कितना, यानी तीनों मिलकर अनुपात में कितना, तो जोड़िए 21, 28, 24, तो 4, 8, 12 और 1, 13, 13 का 3, हाथ मेरा 1,
दू दू चार, चार दू छः, छः एक सात, यानी अनुपात में टोटल 73, लेकिन रुपया में टोटल कितना 730 रुपया, 730 रुपया है। तो भाई अनुपात एक का मान कितना आ जाएगा, काटे 73 बहेंगे 730, 10 रुपया, यानी अनुपात एक का मान कितना 10 रुपया। तो कह रहा है बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, बताइए बी का हिस्सा, यहां देखिए बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, ये 28:24 से कितना अधिक है बताइए अनुपात में। तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, तो बी माइनस सी, 28:24 घटेगा कितना, अनुपात 4, अनुपात 4 अधिक है, बताइए अनुपात 1:10, तो 4 कितना 40 रुपया, यानी बी का हिस्सा सी से कितना रुपया अधिक है, तो 40 रुपया अधिक है, तो 40 रुपया अधिक का कौन जाएगा बी नंबर। देखिए इस तरह से बना लेंगे, ये एसएससी सीजीएल पीटी 2016 का क्वेश्चन है। आइए हम लोग नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया है संख्याएं एक्स वाई जेड क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है, एक्स वाई जेड का योगफल 80 है, ठीक है, देखिए यहां कॉमा है, ठीक है यहां कॉमा है, ये क्या है कॉमा, एक्स वाई जेड का योगफल 80 है, यदि जेड का समीकरण जेड बराबर एक्स माइनस 8 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है, अगर हम रेशियो के सहायता से और योग के सहायता से जेड का मान और एक्स का मान निकाल लेते हैं और यहां पुट कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा समीकरण से। तो चलिए दिया है एक्स वाई जेड का रेशियो कितना 2:3:5, ठीक है, बताइए अनुपात में तीनों का योग कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड का योग अनुपात में कितना, 3 2 5, 5 5 10, अनुपात में 10, अनुपात 10, तो योग संख्या का योग कितना दिया है 80, तो बताइए अनुपात एक का मान कितना जाएगा, अनुपात एक का मान 8, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो अनुपात एक का मान कितना 8। अब देखिए यहां एक्स वाई जेड मान निकाल सकते हैं, बताइए 1:8 तो 2 कितना हो जाएगा, 8 × 16, 3 कितना हो जाएगा, 8 × 24, अब 5 कितना होगा, 8 × 5 40, ठीक है, यानी x का मान कितना 16, y का मान कितना 24, z का मान कितना 40, 40 24 16 जुड़े तो 80 आ जाएगा। अब पूछ रहा है तो बताइए z बराबर ए एक्स माइनस 8, ये दिया हुआ समीकरण, तो z का मान रख दीजिए यहां पर कितना 40, ए का मान निकालना है, एक्स का मान पता चल गया कितना 16 माइनस 8, देखिए ये 8 माइनस इधर है, अगर बराबर को उठ जाएगा तो क्या होगा प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 उधर जाके जुटेगा तो 40 और 8 48, और 16 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो 16 48 में 16 से भागा दिया तो कितना जाएगा 3, यानी 48 भागा 16 कितना जाएगा 3, ए का मान कितना 3, ऑप्शन कौन जाएगा सी। चलिए हम लोग दसवां क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दसवां क्वेश्चन एसएससी सीएपीएफ एसआई 2016 का क्वेश्चन है, यानी सीपीओ जो एग्जाम लेता है, एसएससी सीपीओ 2016 वह एग्जाम है। तो दिया है 391 कुकीज को 3 बच्चों एबीसी में 1:5 / 1:4 / 1:8 के अनुपात में बांटने के बजाय इसे 5:4:8 के अनुपात में बांटा गया, यानी बांटना था इस रेशियो में लेकिन बांटा गया कितना के रेशियो में, 5:4:8 के रेशियो में, तो सबसे अधिक लाभ किसे और कितना हुआ, यानी अगर पहले इस रेशियो में बांटता, पहले इस रेशियो में बांटता और अब इस रेशियो में बांट रहा है तो किसको फायदा होगा और कितना कुकीज फायदा होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। चलिए पहले लिख लेते हैं कि ए बी और सी है, बांटना था, यहां पर ही बांटना था, बांटना था, तो बांटना था किस रेशियो में, तो 1:5 / 1:4 / 1:8, पहले इसको रेशियो में तोड़िए, ठीक है, इसको रेशियो में, इसको रेशियो में तोड़ने के लिए क्या बताए हैं,
नीचे वाला का एलसीएम लेकर के अब प्रत्येक भिन्न में गुना कर लीजिए, यानी प्रत्येक अनुपात में गुना कर लीजिए। तो पांच चार आठ का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो निकालिएगा पांच चार आठ का एलसीएम। एलसीएम देखिए, एलसीएम एचसीएफ का जब वीडियो देखिएगा तो उसमें निकालने के लिए शॉर्टकट बताया गया है कि कैसे निकाला जाता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। यहां तो डायरेक्ट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 40, एलसीएम कितना होगा 40। अब प्रत्येक अनुरेशियो में गुना कर लीजिए 40 को, तो एक बट्टा पांच गुना 40 कीजिएगा तो कितना जाएगा, तो 8। अब एक बट्टा चार में 40 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 10। अब एक बट्टा आठ में 40 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 8 × 5 = 5। यानी 8, 10, 5 का रेशियो में बांटना था, 1/5, 1/4, 1/8 का रेशियो का मतलब कितना 8, 10, 5 का रेशियो में बांटना था। फिर पहले देखिए, अगर इस रेशियो में बांटता तो किसको कितना कितना मिलता, ठीक है, लेकिन बांटा गया कितना में, अब पूछा है बांटा गया है, बांटा गया तो बांटा गया किस रेशियो में, 5, 4, 8 के रेशियो में, 5, 4, 8 के रेशियो में, 5, 4, 8 के रेशियो में। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को कि ए बी सी को अगर पहले बांटते तो 8, 10, 5 के रेशियो में बांटते, यानी ए को 8 कुकीज देते तो बी को 10 कुकीज देंगे तो सी को 5 कुकीज मिलेगा। यानी ए को पहले 8 बिस्कुट मिल रहा था तो बी को 10 बिस्कुट मिल रहा है और सी को 5 बिस्कुट मिल रहा था, लेकिन अब बांटा गया कितना में, 5, 4, 8, यानी अब जो मिलेगा 8 के बजाय कितना मिलेगा 5 ए को, और बी को 10 के बजाय कितना मिलेगा 4, और सी को क्या मिलेगा 5 के बजाय 8। यानी देखा जाए तो ए को पहले 8 कुकीज मिल रहा था यहां से, लेकिन अब मिल रहा है कितना 5 ए को, तो घाटा ना हो गया इसको, ए को तो फायदा हुआ नहीं, मिलना था 8 को, मिल रहा है 5 ए को, तो यह नुकसान चला गया। बी को देखिए, पहले मिल रहा था 10 को, अब मिल रहा है 4 को, तो इसको भी नुकसान हो गया। लेकिन सी को देखिए, पहले मिल रहा था 5 कुकीज, लेकिन अब मिल रहा है कितना कुकीज, 8 कुकीज, तो इसको क्या हुआ, फायदा हो गया, पहले 5 को तो अब मिलेगा 8 को। एक तरह से रेशियो में तोड़ कर बता रहा है कि ए पहले अगर 5 मिलता तो अब कितना मिलेगा 8, अगर पहले 10 मिलता तो इसको कितना मिल जाएगा, तो यहां 2 से गुना, तो इसमें 2 से गुना जाएगा। उसी तरह से देखिए, हम यहां तो पकड़ लिए कि सी को फायदा हो रहा है, लेकिन सी को फायदा होगा 99 कुकीज या सी को फायदा होगा 78 कुकीज, यही ना पता है, ठीक है। तो चलिए यहां से बी और डी ऑप्शन, अगर ये सब कुकीज नहीं दिया था, खाली पूछता कि किसको फायदा होगा, तो आराम से मारते सी को फायदा हो रहा था, लेकिन कितना पूछ दिया तो आपको निकालना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा बेहतर। हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बार कि खाली किसको फायदा हुआ, ये पूछा है क्वेश्चन सीजीएल में। तो चलिए, पहले बांटना था 8, 10, 5 के रेशियो में, तो बताइए पहले कितना यहां रेशियो में टोटल, तो 8, 10, 18, 18, 5, 23 अनुपात 23, तो अनुपात 23, लेकिन यहां से टोटल कितना 391। देखिए आगे अनुपात 23 बराबर कितना 391, तो ये अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां देख रहे हैं कि काटेंगे 23 से तो कितना मतलब कटेगा, 23 और 7 17 मतलब कट जाएगा, यानी अनुपात 1 बराबर कितना जाएगा 17। तो बताइए सी को बांटना है, तो सी को कितना 5, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 5 बराबर कितना, यानी 17 × 5 कितना हो जाएगा 85। ये 85, ये 85 क्या है, सी का हिस्सा है पहले, यानी पहले सी को कितना मिला था 85 को मिला था, पहले सी को कितना मिलेगा 85 को मिलता था, लेकिन अब कितना मिलेगा, तो अब वाला रेशियो से तुलना कीजिए, यहाँ टोटल तीनों में आके ना 5, 4, 9, 9, 8, 17 अनुपात 17 टोटल, लेकिन यहां से कितना 391, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहां 23 और 17 गुना किया तो 391, तो 17 में 23 से गुना कर दीजिएगा तो 391 जाएगा, यानी कटेगा मतलब कितना मतलब 23 मतलब, तो यानी अनुपात 1/23, तो बताइए यहां से सी को कितना मिलेगा, यहां से सी को कितना मिलेगा, ठीक है, सी को कितना मिलेगा, तो अनुपात 8, तो बताइए
23 गुना 8 कीजिएगा, 23 गुना 8, 23 गुना 8 कीजिएगा तो कितना आएगा 184, 184। यानी देखिए पहले मिल रहा था सी को 85 बिस्कुट, तो अब कितना मिला 184। तो हम तो जान गए कि सी को फायदा करेंगे कितना, तो अब मिल रहा है 184, पहले मिलना था 85, कितना फायदा हुआ था, तो दोनों का अंतर कर लीजिए, यानी 184 माइनस 85 आ जाएगा कितना यहां से। तो देखिए चार में से पांच तो घटेगा नहीं, तो एक कैरी करेंगे यानी पैचा लेंगे, तो 14 में से पांच दिया तो 9, यहां बचा 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 9, यानी 99 कुकीज सी को फायदा हुआ, 99 कुकीज का हुआ, सी को फायदा हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा बी नंबर। ठीक है, इस तरह से बांट लेंगे, ये पहले वाला से एक बार तुलना करके, एक बार अब वाला से तुलना करके, सी का हिस्सा पहले निकाल लेंगे और अब वाला सी का हिस्सा निकाल लेंगे, दोनों का अंतर यानी 99 को। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।